आई एम ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल ज्योति एजुकेशनल सेंटर। तो हमारा सेंटेंस का सीरीज चल रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंपेरेटिव बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। आई होप आप सब सब्सक्राइब कर चुके होंगे, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है या कोई भी आपको लगता है कि मैं इसको ऐसे और बता सकती हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल अगर आपको लगता है मैं और दे सकती हूँ, जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखकर मुझे बताते रहिए कि इसका कैसे होगा, इसका ये भी हो सकता है। मैं आपको साथ साथ रिप्लाई करती रहूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मैंने जैसा कि आपको सेंटेंस का जब इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स बताए थे, तो आपको बता दिया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम शॉक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशन, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशन शो करते हैं, जैसे कि सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज, जॉय, शॉक, इस टाइप से। आज हम क्या सीखेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर को हम बनाते कैसे हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस हम सिंपल वे में भी कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशन शो करना है या सरप्राइज शो करना है तो हम क्या करेंगे, सॉरो शो करना है तो हम क्या करेंगे, हैप्पीनेस को शो करना है तो हम क्या यूज करेंगे, कैसे कि सामने वाला समझ जाए या फिर मेरे सेंटेंस एक्सप्रेस हो जाए कि मैं किस वे में बोलना चाह रही हूँ, मेरे अंदर के इमोशन क्या है। तो देखिए, अगर सॉरो है तो जनरली हम लगाते हैं अलास। कैसे? अलास। अभी एग्जांपल हैप्पीनेस में हम लगा देते हैं हुर्रे, या फिर आहा, वी हैव वन द मैच, ठीक है। सरप्राइज में हम लगाते हैं व्हाट, ऐसे क्यों लगाते हैं, ओ, ठीक है। और जॉय भी सेम रहता है, सॉरो, हैप्पीनेस, जॉय, हुर्रे, आहा, वाओ, इस टाइप से हम यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। इसमें टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन ऐसे वर्ड लग जाते हैं जिससे ही वो सिंपल सेंटेंसेस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आहा, हम सब पास हो गए। देखिए, इसको बोलने में जैसे आ रहा है ऐसे को नहीं मिलेगा, आहा हम सब पास हो गए, आहा वाओ हम सब पास हो गए, ये यिप्पी, इस टाइप से बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, आहा, यहाँ पर आहा लग रहा है। फिर इसके बाद हम सब पास हो गए, जो कि आप टेंस में पढ़े हो, हम सब पास हो गए हैं, इसका मतलब ये है। तो ऑल ऑफ अस, हम सब, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, है पास्ट, बस ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हे हम सब पास हो गए, या फिर हम सब पास हो गए हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अस है पास्ट, बस इस वर्ड से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय। अब एक और देखते हैं, ओ वह मर गया, क्या हो गया, सौरव के साथ कह रहे हैं ओ, या फिर इसमें जो ओ है वो सरप्राइज वाला नहीं है, सरप्राइज भी ओ ही डाइड ऐसे, लेकिन हमें सौरव जो स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है सौरव के लिए वो होता है अलास, सरप्राइज नहीं। अगर हमें सौरव करना है, ओ वह मर गया, तो ओ हम दो तरीके से यूज करते हैं। तो सरप्राइज के लिए ओ वाओ, यानी ओ ये है, लेकिन इसमें हमें क्या शो करना है, वह मर गया, यानी कि बहुत ही दुख की बात है, वह मर गया, तो सौरव हम शो करेंगे, इसमें सरप्राइज नहीं। तो क्या करेंगे, ओ वह मर गया, अलास, देखिए हमारी कुछ टोन भी वैसी हो जाएगी, अलास वह मर गया, ही डाइड, अलास ही डाइड, वह मर गया पास्ट इंडेफिनिट, ही डाइड। तो ये तो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाना, सिर्फ एक वर्ड का हमें यूज करना है, बाकी जो हमने टेंस हमें देखना है कौन सा टेंस इसमें यूज होगा, जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें वह मर गया पास्ट इंडेफिनिट, ओ ही अलास ही डाइड, हम सब पास हो गए, ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, सिर्फ वर्ड से हमने शो कर दिया। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ही चेंज होते हैं, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का बिल्कुल चेंज होते हैं। तो देखिए वो कौन से होते हैं, ये स्ट्रक्चर अभी मैं बताऊंगी। जैसे तुम कितने चतुर लड़के हो, तो मैं क्या बोल रही हूँ, सरप्राइजिंग बोल रही हूँ, हे तुम कितने चतुर लड़के हो, तो उसके लिए देखो कैसे होगा, ये होता ही है, इसमें भी ये कोई स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाने के लिए इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, जो आपको लर्न करके भी कर सकते हैं। इसमें शुरुआत होती है जब भी हम कितने, कितना भयानक, कितना सुंदर फूल है, वाह,
जब भी हम सरप्राइज शो करते हैं तो हम हमेशा लगाते हैं व्हाट। इसके बाद ए या एन, ये आपको देखना है ए लगेगा या एन। मैं आगे आपको आर्टिकल बताऊंगी लेकिन मैं बता देती हूँ, बॉबल्स के आगे एन लगता है वैसे ए लगता है, ठीक है। फिर इसके आगे लगता है नाउन, क्या है इसमें, चतुर। लड़के, चतुर लड़के, एग्जेक्टिव भी लगा हुआ है, नाउन भी। क्या है ये, नाउन है लड़के, बॉय। और इसकी क्या बता रहा है, इसको मॉडिफाई जो कर रहा है, चतुर क्लेवर, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ नाउन ही लिख दिया, तो नाउन क्या, लड़के, उसके साथ जो लगा है, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू। फिर इसके बाद हम देखते हैं तुम, सब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब, यू की साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, कितना भयानक दृश्य है, कितना भयानक दृश्य है, तो व्हाट आ, मैंने शुरुआत कर दिया व्हाट आ, ये तो मुझे रट गया व्हाट, उसके बाद आस में लगना है, आया एन में देख लूंगी, ठीक है, ए आई ओ यू नहीं है तो आई लगेगा। अब इसके बाद में देखूंगी ये नाउन जो मैंने लिखा है, इधर जाना है मुझे, भयानक दृश्य, एग्जेक्टिव और नाउन का जो कॉम्बिनेशन मुझे मिलता है, यानी कि नाउन को भी जो विशेषता बता रहे हैं, नाउन की जो मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को, तो भयानक की होती है हॉरिबल और दृश्य की होती है साइट, व्हाट अ हॉरिबल साइट। अच्छा, अब यह सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह कितना भयानक दृश्य, इसका यह भी तो हो जाएगा, सब्जेक्ट हिंदी में जरूरी नहीं होता बोलना। तो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा इट यूज होता है ना, जैसे रेन के लिए इट यूज होता है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है, इट और इट के साथ क्या लगता है, इज। व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज, कभी कभी शौक में हम ये नहीं बोलते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं, व्हाट अ हॉरिबल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ क्लेवर बॉय, ठीक है। लेकिन हम यहाँ उसको बताने से, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, मैं आपको पूरा पूरा बता रही हूँ, ये तो हो गई व्हाट आ की बात। लेकिन अगर हमें हाउ यूज भी करते हैं कभी कभी कितना के लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कब हमें व्हाट आ यूज करना है और कब हमें हाउ यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हाउ एडजेक्टिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब कैसे, वह कितना कमजोर है, आप क्या बताओगे, व्हाट अ वीक ही इज, नो रॉन्ग, इसमें लगेगा हाउ वीक इज, कैसे, यहाँ पर नाउन नहीं है, वह कितना कमजोर है, केवल एडजेक्टिव है। देखिए अगर ये होता वह कितना कमजोर लड़का है तो हम लगाते व्हाट अ वीक बॉय ही इज, ये देखिए सब में ये नाउन दे रखा है एडजेक्टिव के साथ, भयानक दृश्य। अगर यहां होता कितना भयानक है तो पता है हम क्या लिखते, हाउ हॉरिबल। तो यहां पर क्या है, केवल एडजेक्टिव है, उसके साथ नाउन नहीं है, तो जब भी ऐसा हो तो हम व्हाट आ को रिप्लेस कर देते हैं हाउ से, बाकी सेम रहता है हाउ वी ही। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरी मेल आईडी पर मेल करिए, कोई भी डाउट है इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। मैंने सेंटेंस से इंट्रोडक्शन और टाइप्स की वीडियो में आपको बता दिया था, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कर्स, ब्लेसिंग या कोई प्रेयर करते हैं और जिसमें गॉड वर्ड का हम यूज होता है। जब भी हम ऐसे कहते हैं भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सक्सेस दे, तो वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसमें श्योर हम प्रे कर रहे हैं। या फिर जैसे जस्ट मे यू गो टू द हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, तो इसमें हम कर्स कर रहे हैं ये भी। या फिर हम प्रे करते किसी के लिए, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, वो डेट आई वॉन्ट रिच, इस टाइप से करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, सब में सेम रहता है, ये मे से स्टार्ट होती है, मे, एम ए वाई मे। कैसे, आप दीर्घायु हो यानी कि आपकी लंबी उम्र हो तो हम क्या लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे से ये स्टार्ट होते हैं। और इसमें क्या आता है, यू, यू मतलब इसका सब्जेक्ट हो गया, आप दीर्घायु। कभी कभी यहाँ यू की जगह ईश्वर भी आता है तो हम रिप्लेस कर देते सब्जेक्ट को गॉड से। जब गॉड नहीं होता तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर दीर्घायु हो, लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे हम कहते हैं। अच्छा, एक इसमें गॉड वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे, तो उसमें मे तो सब में आ गई है मे, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, ईश्वर वर्ड आ गया। जिसमें ईश्वर वर्ड आता है उसमें हम तुम्हारा बच्चा, जैसे योर, इसको नहीं लिखेंगे हम, पहले गॉड लगाते हैं, मे गॉड, इसके बाद वर्ब,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है प्रोटेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज्ड है। लिखने में स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। आगे आप मे लगा दीजिए, मे मतलब ही हो जाता है किसी को कर्ज देना, प्लेस करना, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद आप देखिए सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिव जीने की वर्ब हो गई, लिव जीना, लॉन्ग लंबा बचा हुआ पार्ट, वही स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। देखिए इसमें भी मे, इसके में ऑब्जेक्ट क्या हो गया ईश्वर यानी कि गॉड, मे गॉड, और इसके बाद गर्व क्या हो गई रक्षा करना तो प्रोटेक्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट बचा हुआ पार्ट यानी योर सन, ठीक है ये हो गया। और साथ में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इसको खत्म करना होता है। अच्छा अब इसमें एक और टाइप का मैं सेंटेंसेस बताती हूँ। काश मैं धनी होता, जब भी हम ऐसे मांगते हैं काश मैं क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसा तो होगा नहीं, हम बोल सकते हैं काश मेरे साथ ये हो जाए, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, काश ये सपना ना होता। इस टाइप से जब भी हम बोलते हैं तो हम यूज करते हैं मे की जगह बुड का, बुड डेट, ये हम यूज ही करते हैं, ये कहीं से आया नहीं है। जहां भी काश ऐसे लगाओ तो आप क्या बोलोगे, बुड डेट मैं धनी होता आई वर रिच। अब आप बोलोगे आई वर रिच, आई के साथ तो वर्स यूज होता है, वर्स विनिंग, ये वो वाला नहीं है, यहाँ पर आई के साथ वर ही यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट। वुड क्योंकि हम जब भी विश पर्पस से यूज करते हैं आई का, जैसे काश मैं प्रिंसिपल होता तो उसके लिए इफ यू, इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो हम वर यूज करते हैं जब भी हम विश कोई भी काश इमेजिन करते हैं तो हम हमेशा यूज करते हैं वर आई के साथ, ना कि वुड डैट आई वर रिच या फिर वुड डैट आई वर रिच, इस टाइप से हो गए मेनली। तो ऑपरेटिव सेंटेंस की पहचान इससे ही होती है, मे मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, ऐसे भी इसको कह सकते हैं भगवान तुम्हारी उम्र में लंबी उम्र दे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाते हैं। ये 5 सेंटेंसेस है, ये एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में है, पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर खुद सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज, देन अब जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आप मैच कीजिए। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक आती है तो आप जाइए स्ट्रक्चर पर देखिए कि आपने क्या मिस्टेक की है। तो स्टूडेंट्स आर यू रेडी टू चेक, आपको टीचर भी खुद ही बन रहा है, आपको मार्क्स भी अपने खुद ही दे रहे हैं। मैं इधर लिख रही हूँ, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, तो ईश्वर तुमको तो सबसे पहले आप कुछ नहीं देखेंगे, ये ऑप्टेटिव हो गया क्योंकि हम इस पे किसी को प्रे कर रहे हैं, ईश्वर तुमको, तो मे गॉड तो हमने लगा दिया इतना। अब हम आ गए, ये सब्जेक्ट हो गया, गॉड एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब आप आ जाओ वर्ब पर, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, मे गॉड सफलता प्रदान, प्रदान करना हो गया या वर्ब, इसकी होती है ग्रांट, मे गॉड ग्रांट तुमको यानी मे गॉड ग्रांट यू क्या प्रदान करे, सफलता, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। देखिए जैसे मैं बना रही हूं वैसे बनाओगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। अब देखिए एक और, आहा हम मैं जीत गए हैं, ये अब इसमें हैप्पीनेस शो, यानी एक्सक्लेमेशन हो गई, इमोशन बता रहा है कि मैं कितनी खुशी में कोई सेंटेंस कह रही हूं, आहा। तो कैसे इसके लिए मैं लगाऊंगी हैप्पीनेस के लिए, हुर्रे, आहा भी लगा सकते हैं, हुर्रे स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए हैप्पीनेस का, हुर्रे हम मैच जीत गए हैं, वी हैव हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है ऐसी ट्यून आती है। तुम कितने भाग्यशाली हो, इसमें भी मैं इमोशन शो कर रही हूं, मैं सरप्राइज हूं, सपोज किसी कोई लॉटरी लग गई कुछ भी हो गया, तुम कितने भाग्यशाली हो, तो कैसे, अब देखो इसमें मैंने ये नहीं बताया तुम कितने भाग्यशाली लड़के हो या लड़की हो, सिर्फ एडजेक्टिव का यूज किया है, तो सिर्फ यह नाउन नहीं होता, जब सिर्फ एडजेक्टिव होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हाउ या व्हाट, हाउ और हाउ के साथ आ नहीं लगता, हाउ और इसके बाद कितने भाग्यशाली लकी और फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, यही बताया था मैंने, हाउ लक्की यू आर, और अगर ये बताओ तुम कितने भाग्यशाली आदमी हो, व्हाट अ लक्की मैन यू आर, अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिया करिए, एक एक चीज कहीं भी कोई भी चीज मैं लिंक कर देती हूँ, ठीक है। कितना सुंदर फूल है, अब देखिए इसमें सुंदर फूल, इसमें एडजेक्टिव भी है जो उसकी विशेषता बता रहा है,
और फूल एक नाउन है, ठीक है। तो इसमें आप व्हाट यूज करेंगे और व्हाट के साथ वा, व्हाट अ सुंदर फूल, ब्यूटीफुल व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। ये तीनों एक्सक्लेमेटरी के हो गए, ये हो गया था हमारा ऑपरेटिव, ये कौन सा है, फिर से हम ब्लेस कर रहे हैं किसी को, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे इस टाइप से। तो मे गॉड, ईश्वर वर्ड आ गया तो मे से स्टार्ट होता है, मे गॉड तुम्हें लंबी आयु दे, ब्लेस यू लंबी आयु दे। देखो जब भी हम ब्लेस यूज करते हैं, कब यूज करते हैं ब्लेस, जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग स्नान ही हो गए, ब्लेसिंग देते हैं तो हमेशा ब्लेस आता है देना, गिव यू नहीं आएगा, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ नहीं, मे गॉड गिव नहीं आएगा यहाँ देना जो वर्ड है, दे आपको के देने की तो गिव होती है, लेकिन जब भी हम किसी को ब्लेस करते हैं तो ब्लेस आता है, ठीक है, गिव नहीं आएगा यहाँ, देने की हो जाएगी ब्लेस, इसलिए हमने लिखा मे गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ हमेशा लगती है लॉन्ग लाइफ से पहले प्रपोजिशन विद अ लंबी आयु, लॉन्ग लंबी आयु की लॉन्ग और आयु की लाइफ, क्या हो गई, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। अच्छा अब यहाँ पर आप दीर्घायु, आपको लंबी आयु हो, तो यहाँ गॉड का यूज नहीं था, इसलिए हमने यहाँ भी गॉड नहीं लिखा, यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो लंबा जी, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। तो आई होप अब आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कहीं भी डाउट है किसी भी वीडियो में अब तक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेल आईडी पर मेल कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और वीडियो। सो वी मीट यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एंड